नमस्ते सभी को। हम लोग अब हिंदी में चर्चा शुरू करते हैं। इसी चर्चा को हम लोग जारी रखते हैं। हम लोग कल इस बात पे और गहराई से ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, और दोनों का अर्थ ये समझ में आया कि यदि सुख मुझे स्वभाव के रूप में दिखाई देता है तो सुख का स्रोत मुझे स्वयं में अपने अंदर दिखाई देता है। यदि सुख मुझे प्रभाव लगता है तो सुख का स्रोत मुझे बाहर लगता है, और जब बाहर लगता है तो दो स्रोत दिखाई देते हैं उसके, शरीर से मिलने वाली कोई अनुकूल संवेदना या दूसरे से मिलने वाला कोई अनुकूल भाव। इसके साथ हमने फिर सुख को समझना शुरू किया था, तो हमें प्रस्ताव तो मिला है कि सुख का अर्थ है हार्मनी में होना। तो जो भी स्थिति परिस्थिति में रहता हूँ, अगर उसमें लय है, सामंजस्य है, संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना, ऐसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है, और इसी को मैं सुख नाम देता हूँ। ऐसी स्थिति में होना जिसमें जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, जिसमें बने रहना चाहता हूँ, उसको हमने एक नाम दिया सुख। उसकी दूसरी तरफ देखें तो कोई भी स्थिति परिस्थिति है, अगर उसमें अंतर्विरोध है, अंतर्द्वंद है, उलझन है, परेशानी है, अव्यवस्था है, तो उसमें होना मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं होता और मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। फिर भी अगर उसमें बने रहने के लिए मैं बाध्य होता हूं, तो इसको नाम दिया दुख। इस वजह आता है कि अवस्था में होना सुख है, अव्यवस्था में होने के लिए बाध्य होना ये दुख है। ये बात हमें दिखाई देती है कि नहीं? तो सुख वर्ड जो हम बोलते हैं उसको हम किस रूप में लेते हैं? व्यवस्था के लिए, हारमोनी के लिए, लय के लिए, संगीत के लिए, या कुछ अन्यथा, या अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो हमें एक परिभाषा मिली है, शब्द मिले हैं, और इसको स्वयं में देखना है। तो मैं किस स्थिति में बने रहना चाहता हूँ, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। वो कौन सी स्थिति है जिसमें बने रहना चाहता हूँ, कौन सी स्थिति है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, तो स्वयं में देखें तो पता लगता है कि मैं विचार कर रहा हूँ। अगर विचारों में लय है, सामंजस्य है, संगीत है, तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर विचारों में लय नहीं है, अंतर्विरोध है, अव्यवस्था है, तो उसमें बाहर निकलना चाहता हूँ। तो स्वयं में, कल्पनाशीलता में, विचार में लय संगीत हो, वहां पे भी देखें तो विचारों में लय हो पाता है यदि हमारे भाव में लय होता है। यानी हमारे भाव ऐसे होते हैं, स्वयं में भाव ऐसे होते हैं तो मुझे सहज रूप से स्वीकार होते हैं, तभी विचारों में लय होता है, तभी मेरे निर्णयों में लय होता है, संगीत होता है, व्यवस्था होती है, तभी मेरे व्यवहार में भी लय होता है। तो ये हम अपने आप में देख लें कि बेसिकली हम यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। तो जो पहले बात हो रही थी कि अगर ये बात हमें बहुत ठीक स्पष्ट ना हो तो फिर हम बाहर से आने वाली किसी सूचना को भी सुख मान लेते हैं। जैसे बाहर से कोई शरीर से हमें स्वाद मिला, कोई संवेदना मिली, उसको भी हम सुख मान लेते हैं। वो सुख है या कोई आवेश है, ये भी पहचानने की बात है। दूसरे ने हमारे लिए कोई बहुत बढ़िया बात कह दी, उसे हम सुख मान लेते हैं, ये सुख है या एक आवेश है। तो आप पाएंगे आमतौर पर क्या होता है कि अभी हमारे अंदर स्वयं में ये लय बना नहीं रहता, ये सामंजस्य बना नहीं रहता, क्योंकि अपने ऊपर अभी काम ठीक से हुआ नहीं है, सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो हम अपने आप में बहुत आराम में नहीं रहते, और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए इन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, और इसको हम सुख नाम देते हैं। यदि सुख का ठीक से समझ में आए तो हमको दिखता है कि इसका स्रोत तो भीतर ही हो सकता है, बाहर नहीं। बाहर से जो कुछ मिल रहा है वो मुझे ये जो दुख बना हुआ है, किसी भी मात्रा में, कम है, ज्यादा है, परेशानी कम है, ज्यादा है, ये जो दुख बना हुआ है, इससे बाहर निकलने का हमारे लिए एक साधन है। ये बात ठीक लग रही है? यही सुख है या कुछ और है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पे आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको यही सुख दिखाई देता है या कुछ और। और इसको बिल्कुल ओपन रखें। एक बहुत आवश्यक भाग ये है कि हमें वर्कशॉप में प्रस्ताव मिलता है,
और हम उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बट उसी बारे में हमारे अपनी भी कोई सोच होती है, हमारी अपनी भी कोई मान्यता होती है, हमारा अपना भी कोई विचार होता है, और कई बार वो खुद मुझे बहुत ठीक से स्पष्ट नहीं होता, मेरे सामने ही वो खुद मुझे दिखाई नहीं देता कि हाँ ये विचार भी मेरे अंदर बना है, ये मान्यता मेरे अंदर बनी है, और हम इन दोनों को लेकर चल रहे होते हैं, और इन दोनों का कई बार आमना सामना भी नहीं होता। तो अभी हम सुखी होने के लिए जो कुछ प्रयास कर रहे हैं उसमें हम देखें कि अल्टीमेटली हम हारमोनी के लिए, लय के लिए, सामंजस्य के लिए प्रयास कर रहे हैं या अन्यथा। अगर अन्यथा कर रहे हैं यानी कि हमने सुख के बारे में कुछ और माना ही हुआ है, या जो कुछ माना हुआ है उसको फिर ऑब्जर्व कर लेंगे। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो दिखाई देगा कि सुख का अर्थ है संगीत में व्यवस्था में जीना, और दुख का अर्थ है अंतर्विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना। तो ये जो बाध्यता है मेरी कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं, ये दुख है, और निकलने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो सुखी होने के लिए प्रयास तो करता रहता हूँ, परंतु यदि सुख का अर्थ समझ में ना आए तो एक प्रकार के दुख से निकल के दूसरे प्रकार के दुख में चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्वयं में कोई तनाव परेशानी है ना, उससे निकलने के लिए मैं कोई म्यूजिक सुन लेता हूँ, ठीक, बट वो म्यूजिक को मैं ज्यादा देर तक नहीं सुन पाता, थोड़ी देर तो उससे आराम मिल सकता है, आराम मिल सकता है मतलब इससे थोड़ी बेहतर स्थिति हो सकती है, बट एक नई मान्यता बना देता है। अब जो नई मान्यता बनाता है उसके आधार पर जब मैं विचार करने जाता हूँ तो नए प्रकार की समस्या शुरू हो जाती है, और ऐसा होता ही है जब तक कि हमें पूरी बात स्पष्ट न हो जाए, और पूरी बात स्पष्ट एक दिन में तो होता भी नहीं है, इसमें समय लगता है, हमारा प्रयास लगता है। तो अभी हमको दिखाई देगा कि हमारी स्थिति कुछ इस तरह की बनी रहती है। तो ये सुबह का जो हम अभ्यास कर रहे हैं इससे एकाएक एक दिन में हम निरंतर सुख की स्थिति में आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है, परंतु इतना जरूर होता है कि मुझे अपने प्रयास की दिशा समझ में आ जाती है कि अल्टीमेटली सुखी होने के लिए मेरा प्रयास हार्मनी की दिशा में होगा, या एक तरह की डिसहार्मनी से निकलकर दूसरे तरह की डिसहार्मनी में जाने का प्रयास करेंगे। कभी हम बहुत सारे टेम्पररी मेजर्स जो लेते रहते हैं उसमें होता है कि एक तरह की डिसहार्मनी है, उससे बाहर निकलने के लिए दूसरी तरह की डिसहार्मनी में चले जाते हैं, उससे निकल के तीसरे तरह की डिसहार्मनी में चले जाते हैं, है ना। तो अभी हम अपने अंदर ही कई बार संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने अंदर ही हम थक रहे होते हैं अपने ही प्रयासों से, अपने ही भाव विचारों से, ये बात ठीक है। तो सुख का मतलब है संगीत में व्यवस्था में जीना, दुख का मतलब है अंतर्विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना। ये बात हमको अपने आप में ठीक से ऑब्जर्व करना है। एक बार ये बात हमारे ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो हमारा लक्ष्य तो निश्चित हो गया कि हमारा लक्ष्य जो है अल्टीमेटली हार्मनी में होना है, और ये जो बाहर में व्यवहार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, भागीदारी कर रहा हूँ, उसके मूल में मेरा विचार है और विचार के मूल में मेरा भाव है, तो मुझे अपने भाव में हार्मनी के लिए काम करना है। तो जो अभ्यास एक करेंगे उसमें हम भाव को ठीक से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भाव में हार्मनी का क्या मतलब है। वैसे ही ये दिखाई देगा कि शरीर के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, शरीर के साथ मैं निर्वाह कर रहा हूँ, और उस निर्वाह में भी जो शरीर से मेरा आदान प्रदान हो रहा है उस आदान प्रदान में भी मैं अपनी तरफ से कुछ निर्णय ले रहा हूँ, मैं कोई अर्थ देता हूँ उस आदान प्रदान के अर्थ में, और वहाँ भी संगीत है कि नहीं, हारमोनी है कि नहीं, इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसको अभ्यास दो में ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें और इसको हम लोग भी और डिटेल आउट करने वाले हैं, अल्टीमेटली हारमोनी का मतलब क्या है। और ये भी दिखता है कि जीने का जो पूरा फैलाव है हमारा, चाहे स्वयं के स्तर पर जी रहा हूँ, परिवार में जी रहा हूँ, समाज में जी रहा हूँ, प्रकृति में जी रहा हूँ, प्रकृति में हम बने हुए, इनमें से हर एक स्तर पर जीने में हम हारमोनी चाहते हैं। और जब जीने की बात कर रहे हैं इसमें मेरा निर्वाह भी शामिल है, उसके मूल में हमारा अपना भाव विचार है और हम वहाँ पे हारमोनी चाहते हैं।
संगीत चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, और इसी के लिए सारा प्रयास है। अगर हमको ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि सारे प्रयास के मूल में आशा तो यही है, तो हम इसे ठीक ठीक काम कर पाएंगे, ठीक ठीक इस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर ये स्पष्ट ना हो तो बहुतेरे हमारे प्रयास होते रहते हैं। तो अभी दिखाई देगा कि जब तक हमें ये बात स्पष्ट नहीं होती है तो हम सुख के लिए तीन प्रकार से प्रयास करते हैं। एक तरह का प्रयास है कि शरीर से जो मिलने वाली संवेदना है, सेंसेशन है ना, और वो कैसे मिलती है, तो उसमें आप पाएंगे कि शरीर का जो बाह्य वातावरण से संपर्क होता है, जिसमें सुविधाएं भी शामिल हैं, उसके थ्रू हमें संवेदना मिलती है। तो कोई शब्द है यानी साउंड, टच है यानी स्पर्श, फॉर्म है यानी रूप, टेस्ट है यानी रस, स्मेल है यानी गंध, इनसे हमें कोई सूचना मिलती है शरीर के माध्यम से, और अभी हम इनसे सुखी होने का प्रयास करते हैं। और सुखी होने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो हमारी स्थिति बनी हुई है अगर उसमें लय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, उसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और आप पाएंगे कि इससे जो हमें सूचना मिलती है या जो कुछ उपलब्धि होती है उसमें टेम्पररीनेस होता है, सामयिकता होती है, क्षणिकता होती है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। उसमें ये भी पाएंगे कि इसमें डिपेंडेंस होता है शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपर निर्भरता होती है। जैसे सूचना अगर हमें ना मिले है ना शरीर से, तो स्वाद हमें नहीं मिलेगा, तो बाहर की ओर डिपेंडेंस है। और आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि शरीर भी मुझसे बाहर है, इससे जो शरीर से सूचना मिल रही है तो शरीर मुझसे बाहर है, जो सुविधा है वो तो बाहर है ही, शरीर भी मुझसे बाहर है, तो शरीर पर निर्भरता है। जो दूसरा मनुष्य है ये भी मुझसे बाहर है, जो अदर व्यक्ति है, उसमें मेरी निर्भरता बनी है। तो इसमें एक तो सामयिकता है, टेम्पररीनेस है, निर्भरता है, नो कॉन्टिन्यूटी, नो कम्प्लीशन पॉइंट, ऐसा कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। तो ये हम कभी नहीं कह पाते कि हाँ मैं तृप्त हो गया और ये तृप्ति बनी रहेगी, ऐसा कोई कम्प्लीशन पॉइंट नहीं होता। और बारीकी से आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक आवेश के रूप में रहता है। तो हमारी एक तरह की स्थिति आवेश की, जब हमारे अंदर हार्मनी नहीं थी, उससे बाहर निकलने के लिए हमने एक अलग तरह का आवेश का प्रयोग किया। इसमें यह भी आपको दिखाई दिया कि टेम्पररीली एक रिलीफ तो मिल जाता है, पहली स्थिति के मुकाबले दूसरी स्थिति में एक रिलीफ दिखाई, तभी हम इसके लिए प्रयास करते हैं, एक रिलीफ तो मिल जाता है, परंतु वो एक रिलीफ मात्र ही होता है और उससे हमारी कंडीशनिंग बन जाती है। अगली बार जब भी हमारे अंदर ऐसी स्थिति बनती है फिर हम उस रिलीफ के लिए काम करने जाते हैं और उसमें ये सीमाएं दिखाई देती हैं। और इसमें आपको ये भी दिखाया कि निरंतरता नहीं है, तो टेम्पररी है, डिपेंडेंस है, तो सामयिकता है ना, इसमें कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। इसमें एक और बात आप देखेंगे जिसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, इसमें निश्चितता भी नहीं होती है, डेफिनेटनेस नहीं है। उसी सुविधा से, उसी संवेदना से जो मेरी पहले स्थिति बन रही थी, अब बने कि नहीं बनेगी, वो निश्चितता भी नहीं है। नहीं, कोई म्यूजिक आज आपको बहुत प्रिय लग रहा है, ठीक है ना, बट उस म्यूजिक कंपोजर के बारे में आपको कोई अप्रिय सूचना मिल गई, अब उस व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला सॉन्ग आपको अब प्रिय नहीं लगता, ऐसा कई बार होता है। कोई मूवी आपको बहुत प्रिय लगती है, परंतु उस मूवी के बारे में कोई सूचना मिल गई, अगली बार वो प्रिय नहीं लगता। कोई भोजन हमको बहुत प्रिय लगता है, परंतु हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ है ना खाने को एंजॉय करते थे हम, अब व्यक्ति नहीं रहा, अब जब भी वो खाना बनता है और हमारे मित्र को खाना बहुत पसंद था और वो नहीं रहा, तो वो खाना अब हमें प्रिय नहीं लगता। नहीं, तो आप पाएंगे इसमें निश्चितता भी नहीं है, तो सामयिकता है, निर्भरता है, इसमें कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है, ऐसा आपको क्रम दिखाई देगा। जी, इस चीज को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, ये बात हमें दिखाई देती है कि नहीं। इसमें आप पाएंगे कि क्रम भी दिखाई देगा आपको कि कोई मैं सुविधा का प्रयोग करता हूँ,
जो मुझे शुरू में रुचिकर लगता है, उसका मुझे टेस्ट मिलता है और आवश्यक भी होता है कई बार, जैसे मुझे भूख लगी है, ठीक है, और उसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, और कोई स्वादिष्ट भोजन बनाया गया है, कोई बहुत ही स्पेशल डिश है, तो उसमें अपने को स्वाद ही मिल रहा है। बट यदि हम उसको कंज्यूम करते जाएं तो एक समय का पेट भर जाता है, वो अननेसेसरी हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है, बट स्वाद मिलता रहता है। और थोड़ा कंज्यूम करें तो आप पाएंगे उसका स्वाद भी चला जाता है। स्पाइसी फूड हो, कोई टेस्टी डिश हो, कोई मिठाई हो, है ना, आदि आदि, उसका स्वाद भी चला जाता है। तो अनावश्यक तो हो ही गया, उसमें स्वाद भी नहीं रहा, और एक समय के बाद वो असहनीय हो जाता है, इंटॉलरेबल हो जाता है। ये आपको एक क्रम दिखाई देगा। तो आवश्यक व रुचिकर था, उसके बाद वो अनावश्यक हो गया, भले उसकी रुचि मिल रही थी, फिर वो अरुचिकर हो गया, उसका जाकर वो असहनीय हो गया, ऐसा क्रम दिखाई देगा। इसको पूरे को हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि यदि मैं सुख के लिए इस पर निर्भर हूं, इसमें निरंतरता तो नहीं होगी, और ये जब असहनीय हो जाएगा तो नई समस्याएं लेकर आएगा। तभी मैं एक तरह की समस्या से उलझ रहा हूँ ना, उससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी असहनीय होने के बाद एक अलग तरह से मैं उलझूंगा, इसमें अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो फिर हम उसको कई बार विचार पूर्वक समय रहते रोक भी देते हैं कि हाँ, इससे ज्यादा खाने से अपने को पता ही है कि ये प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम उसको रोक भी देते हैं, ठीक है। इसमें एक और बात समझने की है कि स्वाद का एसेंशियली मतलब नहीं कि स्वाद कोई गलत चीज है, ठीक है। तो स्वाद तो हर चीज का मिलेगा, जीभ पे जब भी कोई वस्तु जाएगी उसका स्वाद तो रहेगा ही, कान में जब भी कोई ध्वनि जाएगी उसका स्वाद तो मिलेगा ही। तो टेस्टिंग तो मेरी एक क्रिया है, आस्वादन मेरी एक क्रिया है। सेल्फ पे जब बात हुई थी तो ये बात हुई थी कि टेस्टिंग यानी आस्वादन तो मेरी एक क्रिया है, तो मेरे अंदर आस्वादन क्रिया तो चलेगी, तो टेस्ट तो मिलेगा ही, कोई स्पर्श मुझे मिलेगा उसका भी टेस्ट मिलेगा, है ना। ठंड गर्मी हो रही है, अभी ठंड का मौसम आने वाला है, अगर आप सुबह हल्के कपड़ों में निकल जाए तो आपको ठंड का आस्वादन होगा, तो टेस्ट तो मिलेगा ही। तो आस्वादन तो हमें हमारे अंदर होता ही रहता है, क्रिया है मेरी, तो स्वाद तो मुझे मिलता ही है। कठिनाई तब होती है जब मैं स्वाद से सुखी होने जाता हूँ। इसे परिमार्जन कैसे होगा, ये भी हमको बात समझ में आती है, परिमार्जन कैसे होगा। तो समझ के बाद हम इस स्वाद का सदुपयोग करते हैं, तो स्वाद अपने आप में समस्या नहीं है, तो हम कोई भी भोजन लेंगे उसका स्वाद मिलेगा। कठिनाई तब है जब स्वाद से मैं सुखी होने जाता हूँ। अगर स्वाद से मैं शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में निर्णय लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुबह हम निकल जाए बनियान में बाहर, और बाहर ठंडा मौसम शुरू हो गया है, दीपावली निकल गया है, अब ठंडा मौसम शुरू हो गया है, और हमें फिर ठंड लगती है, बुखार हो जाता है, जुकाम खांसी हो जाती है, तो एक संकेत मिलता है शरीर से। तो यदि हम उस ठंड के आस्वादन को ठीक से सदुपयोग करें तो अपने कपड़ों का चयन ठीक से करेंगे, तो हमें एक स्वाद मिला, स्वाद का हमने सदुपयोग किया, शरीर के स्वास्थ्य करते हैं। भोजन हम लेते हैं, कोई ताजा भोजन हमें मिले और उस ताजा भोजन को हम जीभ पे रखते हैं, उसका एक प्रकार का स्वाद आता है, तो सड़ा हुआ भोजन हो उसका स्वाद अलग प्रकार से आता है। तो उस भोजन के स्वाद से हमें तय हो जाता है कि भोजन स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। आंखों के सामने कोई बहुत चमकीली वस्तु हो और उसमें आप आंख खुली रखें, फॉर एग्जाम्पल सूरज, सूरज के सामने आप आंख खोल कर बैठे, तो जो रूप दिखाई दे रहा है वो आंखों को चुभता है, और आप फिर भी आंख खुले रखें तो आंखें खराब हो जाएंगी कि नहीं। इससे भी हमें एक सूचना मिलती है, हम आंखों को कहाँ बंद कर रखना है, कहाँ खोलना है। कब आप सुबह उठते ही अगर आपने आंख नहीं धोया और तुरंत मोबाइल देखने लगे, अपने मैसेज पढ़ने लगे, तो आप पाएंगे जल्दी आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो आप पाएंगे सुबह हम आंखों से अगर बिना आंख धोए मोबाइल पढ़ने जाते हैं, ठीक, तो कई बार हमें अपनी पलकें गिरानी पड़ती हैं, आंख मलना पड़ता है। ये एक संकेत है कि जो आस्वादन मिल रहा है वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं। पहले आंख धो लीजिए, ठीक से ओपन कर लीजिए, आपका रेटिना पूरा ठीक से ओपन हो जाए, तब आप मोबाइल देखिए, ज्यादा ठीक है। वैसे ध्वनि के लिए भी है, बहुत लाउड कोई बोल रहा हो या लाउड म्यूजिक चल रहा हो, हमें हार्श लगने लगता है वो लाउड म्यूजिक,
इससे भी पता चलता है कि कान के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं, या हमने ईयरफोन लगाया हुआ है और मोबाइल पे बहुत लाउड म्यूजिक चला रहे हैं, उसका भी हमें संकेत मिलता है। वैसे ही गंध का मामला है। इनफैक्ट भोजन को आप देखें तो भोजन के स्वाद से, रूप से, गंध से कई बार ये पता लग जाता है कि ये स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। तो अगर कोई भोजन है सड़ा हुआ है, उसका गंध भी हमको बताता है कि ये स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। तो स्वाद अपने आप में समस्या नहीं है, एक बात हमें स्पष्ट हो। आस्वादन तो मेरे अंदर होता ही है और होगा ही, हर क्षण होता है। कठिनाई तब है जब उस आस्वादन से मैं सुखी होने जाता हूँ और उसमें भी है ना कुछ बाहर से पाकर उसका आस्वादन करने जाता हूँ और फिर सुखी होने जाता हूँ। मेरे भीतर कोई सही भाव है, उसका मैं आस्वादन करता रहता हूँ, सुखी बना रहता हूँ। बट बाहर से कुछ आस्वादन पाकर जब मैं सुखी होने जाता हूँ तो ये समस्याएं लग जाती हैं जो यहाँ पे बात हो रही है। एक दूसरा स्रोत है कि कोई दूसरे से सही भाव मिल जाए मुझे। तो सुबह उठे, टहलने निकले और कोई बहुत आपकी तारीफ करना शुरू कर दे, तो आप पाएंगे कि अगली बार अगर की तारीफ नहीं करता है तो हम परेशान होते हैं, उलझन में जाते हैं। तो ये दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने का प्रयास करते हैं, कोई दूसरा हमारी ओर ध्यान दे दे, तारीफ कर दे इत्यादि इत्यादि। इसमें पाएंगे कि इसमें निरंतरता नहीं है, टेम्पररीनेस है, निर्भरता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, इसमें कोई कंप्लीशन पॉइंट नहीं है, निश्चितता भी नहीं है, डेफिनेटनेस नहीं है, और निरंतरता नहीं है। टेम्पररी मतलब निरंतरता नहीं है, यहाँ पर बात दिखाई देगी। तो अगर मैं इस पर सुख के लिए निर्भर हूँ तो ये समस्या है। यहाँ भी एक बात समझने के लिए है कि दूसरे से तारीफ मिलना समस्या नहीं है, जब हम सही जिएंगे तो लोग तारीफ करेंगे ही, है ना, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग के अंदर हमारे प्रति गौरव का भाव होगा। अगर हम पूर्णता में स्थित होंगे तो श्रद्धा का भाव होगा, लोग उसको शेयर भी करेंगे, ये भी बात ठीक है। तो कोई अगर हमारे को अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ कर रहा है, ये भी अपने आप में समस्या नहीं है। बट यदि मैं इस पर निर्भर हूँ अपने सुखी होने के लिए तो समस्या है, क्योंकि फिर हम दूसरों से तारीफ पाने के लिए, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अपनी ओर बहुत सारी योजना और कार्यक्रम बनाते हैं और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इस बात से अप्रिशिएट करेगा कि हमको क्लियर नहीं होता। क्योंकि जब हम अपने सुख के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, यानी हमको सुख का अर्थ ही नहीं पता, हमको हारमोनी नहीं पता, तो हम प्रीकंडीशन होते हैं। प्रीकंडीशन होते हैं तो दूसरे की प्रीकंडीशनिंग को पूरा करके दूसरे का ध्यान पाने का प्रयास करते हैं, और जब मैं दूसरे की प्रीकंडीशनिंग के अनुसार जीने जाता हूँ तो उसमें इनबिल्ट समस्याएं होती हैं। तो दूसरा हमारे कपड़े को देखकर सम्मान करेगा, यानी ध्यान देगा मेरी ओर, या गाड़ी को देखकर करेगा, या मोबाइल को देखकर करेगा, ठीक, या मेरे लैंग्वेज के एक्सेंट को देखकर करेगा, ठीक, या जो मैं अपने बारे में कहानियां सुनाऊंगा उसको देखकर करेगा, कुछ तय नहीं रहता। तो हम इसके लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, इसके लिए हम कार्यक्रम बनाते रहते हैं, इसके लिए हम विचार करते रहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो आपको बहुत ठीक से स्पष्ट होगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, और सोसाइटल लेवल पे देखें तो ये तो पूरा एक व्यापार चल रहा है, बाजार चल रहा है इसके आधार पर, जिसको फैशन इंडस्ट्री कह रहे हैं। तो उसमें तो आप देखिए तो दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, दूसरों का दूसरों से कुछ अनुकूल भाव पाने के लिए बहुत सारा प्रयास चल रहा है। तो ये भी हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। इसमें भी अगर आप फैशन डिजाइन के जो कोर्सेज है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वो दूसरों से ध्यान पाने के लिए ही वो पूरा कोर्स है। उसमें जो हमारी रोज के प्रयोग की वस्तुएं हैं उनको कैसे अच्छा डिजाइन बनाया जाए ताकि हमारा कपड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा हो, ये भी एक भाग है, परंतु हम उसको प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाते। वैसे फूड टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें, भोजन के विज्ञान को देखें, तो उसमें भी बहुत सारा भाग स्वास्थ्य के लिए है, उसको हम ठीक से देख नहीं पाते। तो ये बात अगर हमको स्पष्ट हो जाए तो हम इन बातों को अपने जीने में ठीक से प्लेस कर पाते हैं कि है ना, ये सुविधा या ये भाषा या ये कोई लोगों से किया जाने वाला व्यवहार, इसका सही प्लेसमेंट क्या है, इसका सदुपयोग क्या है। जो दूसरा स्रोत है, दूसरे को अनुकूल भाव मिल जाए, तो अभी हम देखें तो
कि बहुत सारा हम प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर भी कर रहे होते हैं और समाज में बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। तो ये दोनों में ही आप पाएंगे कि निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, परतंत्रता है। चाहे दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव की ओर हम सोचे कि उससे सुख मिलेगा, या शरीर से मिलने वाली संवेदना के बारे में सोचें कि उससे सुख मिलेगा, पर इसके साथ सुख के और भी कुछ स्रोत हैं कि ये जो भाव मैं दूसरे से पाने जाता हूँ ये मुझे समझ में आ जाए और ये भाव मुझ में सुनिश्चित हो जाए। तो ऐसे भाव जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, ढेर सारे नाम है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, इनको हमने सुना भी है, इसकी हमें परिभाषा भी देखी है। अब ये भाव मुझ में स्थापित हो जाए, विश्वास का भाव मुझ में स्थापित हो जाए, सम्मान का भाव मुझ में स्थापित हो जाए, मेरे चिंतन में आ जाए। जब ये भाव मेरे चिंतन में आ जाते हैं तो इच्छा विचार आशा भी इसी आधार पर चलती है, उसका सुख मुझे हर क्षण मिलता रहता है। मैं सुख को अपने आप में देख पाता हूँ और उसमें शेयर कर पाता हूँ। तो ये एक ऐसा स्रोत है जिसमें आप पाएंगे तो निश्चितता है, क्योंकि भाव मेरे अंदर स्थापित है, मुझे इसके लिए भागना नहीं है बाहर, है ना, मुझे दूसरों का विश्वास अर्जित करने के लिए भागना नहीं है, मुझे सम्मान पाने के लिए भागना नहीं है, दूसरा मुझे स्वीकार है इसलिए मुझे भागना नहीं है बाहर की ओर, दूसरे की ओर, ये भाव मुझ में स्थापित है। इसमें आप पाएंगे कि एक निश्चितता है, निरंतरता है, ये भाव मुझे स्थापित है, निरंतर बना रहेगा, और स्वतंत्रता है। और इसमें स्वतंत्रता है, वैसे ही ये जो भाव मुझ में स्थापित होंगे चिंतन में, ये किस प्रकार होंगे, तो जो हमारे अंदर सही समझ होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मुझे हारमोनी समझ में आ जाए, जीने के हर स्तर पे हारमोनी समझ में आ जाए, ह्यूमन बीइंग के स्तर पर, फैमिली के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर, नेचर के स्तर पर, तो फिर उसमें भी दिखाई देगा कि निश्चितता है, निरंतरता है, स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है, तो बाहर के भागने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऊपर जो दो बातें लिखी हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, राइट फीलिंग इन द सेल्फ, इसमें निरंतर सुख की संभावना है। नीचे जो दो बातें लिखी हैं कि सही भाव दूसरे से मिल जाए, शरीर से अनुकूल संवेदना मिल जाए, तो इसमें निरंतर सुख की संभावना नहीं है। इन दोनों को अगर हम डिस्टिंग कर पाए, अलग अलग कर पाए अपने भाव विचार में, अपने जीने में, तो इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो हम जब भी कोई निर्वाह कर रहे हैं हम उसको देख लें इसमें क्या होने वाला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको जब आप देखने जाएंगे, और अभी न तो राइट अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटनेस में इंश्योर हुआ है, न राइट फीलिंग कम्प्लीटनेस में इंश्योर हुआ है, ठीक, तो हमारे अंदर जो स्थिति बनती है वो हारमोनियस नहीं होती है। तो जब वो हारमोनियस नहीं होती है तो हमें उस समय कोई उपाय चाहिए होता है, कोई तरीका चाहिए होता है। अब अगर आपने इन दोनों को भी रोक दिया, दूसरे से मिलने वाले भाव या शरीर से मिलने वाली संवेदना, और ऊपर का काम नहीं हुआ है, तो परेशानी बढ़ सकती है। तो टेम्परेरली इस बात को जानते हुए इसमें टेम्परेरीनेस है, भले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए कार्यक्रम निश्चित करना बनता है कि अभी तो मैं प्रयोग कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, परंतु कम से कम ये तो हमको समझ में आ जाए कि ये निरंतर कार्यक्रम नहीं बन सकता, ये सही निश्चित सार्वभौम विधि नहीं हो सकती, इससे मुझे बाहर निकलना होगा। ये भी बात स्पष्ट हो जाए तो आप पाएंगे जो हमने जीने में पूरा एक पैरासर्मलिया बना लिया है वो तो काफी सिमट जाता है। इस तरह से हमने भी संबंधों के निर्वाह का आधार बना लिया है, शरीर के लिए सुविधा जुटाने का आधार बना लिया है, समाज में अपने को प्लेसमेंट देने का एक आधार बना लिया है, इससे तो हम बाहर निकल पाते हैं। हम पहले से तय कर पाते हैं कि इसमें तो सुख निरंतरता होगी नहीं, तो ये तो मेरा कार्यक्रम नहीं, और अपने आप में हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि हमें से जो भी साथी इस तरह के एक्सप्लोरेशन में गए हैं वो इसको बहुत ही कम समय में इसको पूरा भी कर पाते हैं, कि अभी जो हमने पूरा फैला रखा था दूसरों से अनुकूल भाव पाने के लिए, शरीर से संवेदना पाने के लिए योजनाएं बनाते थे, इसके लिए कम से कम योजनाएं बनाना तो बंद किया,
अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जरूर है कि अपने में चूंकि सही समझ से भाव अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो सामयिक रूप से इस टेम्पररी मेजर्स का प्रयोग करते हैं उपाय के रूप में जब हमारे अंदर परेशानी बढ़ती है, समस्या बढ़ती है। बट हमारा जो जीने का पूरा फैलाव है उसमें काफी समेट लिया हमने, ये तो आपको एक रिमार्केबल शिफ्ट दिखाई देगा अपने आप में जब से आपने पहला वर्कशॉप किया होगा तब से लेकर अभी तक। तो पहले जितना हम सुविधा संग्रह के लिए विचार करते थे, पहले हम जैसे लोगों के बीच में अपने को स्थापित करने के लिए, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए विचार करते थे, वो विचार तो रुक जाता है जी।